30 मिनट में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की पूरी रिवीजन। लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेटल्स के बारे में बात करते हैं। तो मेटल्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं एंड कैटायन फॉर्म करते हैं। कैटायन क्या होता है? कैटायन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस, मतलब वो आयंस, वो ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो होते हैं कैटायन। तो मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, इसलिए उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड वो कैटायन फॉर्म करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड ये एनायन फॉर्म करते हैं। एनायन होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, मेटल्स के एग्जांपल हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सारे मेटल्स हैं। नॉन मेटल के एग्जांपल हैं आयोडीन, कार्बन, ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो कि दोनों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, ये सारे मेटलॉइड्स हैं। तो इस चैप्टर में हम मेनली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर ही फोकस करेंगे, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर मेटल्स कौन से स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है मर्करी। मर्करी लिक्विड स्टेट में होता है एट द रूम टेम्परेचर एंड ये एक मेटल है, तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, मर्करी को हम थर्मोमीटर्स में भी यूज करते हैं। देन हार्ड और रिजिड, जो मेटल्स होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, उनको तोड़ना इतना ईजी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, इनको ईजिली हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, देन लस्टरस, मेटल के ऊपर लस्टर होती है, शाइन होती है, जैसे आपने देखा होगा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको जब हम सैंड पेपर से रब करते हैं तो इनके ऊपर शाइन आ जाती है, एंड वैसे भी मेटल्स के ऊपर शाइन होती ही है, वो लस्टरस होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है विच इज सोडियम। ठीक है, देन मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स का वो काफ़ी हाई होता है। क्यों, ऐसा क्यों है? बिकॉज मेटल्स में जो एटम्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में फोर्स काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उन एटम्स को दूर करने के लिए, उनको दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड जितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसलिए मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है विच इज़ गैलियम एंड केजियम। ये जो मेटल्स हैं ये इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है काफी कम होता है, अगर आप इनको अपनी हथेली पे भी रखोगे ना तब भी ये इजीली मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्सेप्शन हमें याद रखनी है। देन मेलिएबल, जो मेटल्स हैं उनको इजीली हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मेलिएबल होते हैं। ठीक है, जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा, है ना, तो वो शीट्स में कन्वर्टेड है। गोल्ड एंड सिल्वर सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल्स हैं। डक्टाइल होते हैं मेटल्स, मतलब उनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा घरों में हम कॉपर की वायर यूज करते हैं, आयरन की वायर यूज करते हैं, क्यों? बिकॉज हम उनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं। ओके, देन गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के काफी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है विच इज लेड। लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कितना ज़्यादा एक मेटल झेल सकता है प्रेशर को उससे पहले वो टूट जाए, मतलब कितना प्रेशर हम अप्लाई कर सकते हैं, कितना हम उसको खींच सकते हैं एंड देन वो मेटल टूट जाएगा, तो उसको बोला जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। एंड मेटल हम जानते हैं उनके बीच में फोर्स तो काफ़ी होती है उनके एटम्स के बीच में, इसलिए उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफ़ी हाई होती है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, बिकॉज ऑब्वियसली ये काफ़ी सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ये इतने हार्ड या रिजिड नहीं होते हैं, तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होती है। सोनोरस, मेटल्स को जब हम हिट करते हैं तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, है ना, जैसे बेल्स में आपने देखा होगा आयरन की बेल होती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए जो मेटल्स हैं वो सोनोरस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड या फिर गैस होते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं, गैस स्टेट में भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है इन एट द रूम टेम्परेचर एंड ये एक नॉन मेटल है। ठीक है, ब्रिटल, जो नॉन मेटल्स हैं उनको हम इजिली छोटे छोटे पीसेज में तोड़ सकते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट हार्ड और रिजिड, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। देन नॉन लस्टरस, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऊपर शाइन नहीं होती, लस्टर नहीं होते, वो नॉन लस्टरस होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन के ऊपर शाइन होती है। ठीक है,
लेकिन मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं. लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी लो होता है, बिकॉज देखो जो नॉन मेटल्स हैं उनमें एटम्स इतने क्लोजली पैक्ड नहीं होते, इतनी ज्यादा फोर्स नहीं होती उनके बीच में, इसलिए काफी कम एनर्जी यूज होती है, काफी कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है उनको ब्रेक करने के लिए, तो इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है. लेकिन इसमें एक्सेप्शन है डायमंड. डायमंड क्या है, ये एक एलोट्रोप है कार्बन का, ठीक है, एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, इसलिए उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है यहाँ पर डायमंड. नॉन सोनोरस, जो नॉन मेटल्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते. नॉन मेलिएबल, नॉन मेटल्स को हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल्स को हम वायर्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है. बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो नॉन मेटल्स हैं वो मोस्टली अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते, काफी पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है ग्रेफाइट. ग्रेफाइट क्या है, एलोट्रोप है कार्बन का एंड ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, नॉन मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी काफी कम होती है एंड इनकी डेंसिटी भी काफी कम होती है. तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी नॉन मेटल्स की, एक्सेप्शन आपको सारे याद होने चाहिए. अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में. सो इसमें बेसिकली हम अलग अलग रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे कि मेटल्स ऑक्सीजन वाटर एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं कि मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कैसे होता है. तो मेटल प्लस ऑक्सीजन एंड देन बनता है मेटल ऑक्साइड. जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसका मेटल ऑक्साइड बन जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड, ठीक है. अब ये जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ये मोस्टली बेसिक होते हैं नेचर में, लेकिन कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जो कि एसिड एंड बेस दोनों ही प्रॉपर्टीज, दोनों के ही बिहेवियर शो करते हैं. तो वो होती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक होती हैं, ठीक है. मोस्ट ऑफ द जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, वाटर में वो डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसी भी होती हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं एंड एल्कलीज फॉर्म कर लेती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है. तो ये हमने देखा मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन. अब बात करते हैं मेटल एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. तो देखो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है. अब जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व नहीं होती जब मेटल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ होता है. नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3. हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी अगर कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब, ठीक है. तब जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, बिकॉज नाइट्रिक एसिड क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है. लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है. मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ये ऐसे दो मेटल्स हैं जो कि बहुत ही डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. तो ये एक्सेप्शन है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ठीक है. अब एक्वारीजिया क्या होता है. एक्वारीजिया एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, ठीक है. एंड उनका रेशियो होता है 3:1. 3:1 के रेशियो में इन दोनों का मिक्सचर बनाया जाता है. एंड इसका काम क्या होता है, ये गोल्ड को डिसॉल्व करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है. एंड ये बहुत ही कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड होता है एक्वारीजिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, येल्लो बॉक्स में गिवन था तो ये आपको पता होना चाहिए. ओके, तो ये एसिड का रिएक्शन होता है मेटल के साथ, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनता है. अब देखते हैं मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है. तो जो मेटल ऑफ वाटर का जब रिएक्शन होता है तो बनता है मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है. एंड इसका फर्दर भी रिएक्शन होता है. अगर मेटल ऑक्साइड का फिर दोबारा हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है. ये आपको पता होना चाहिए. अब देखो सारे जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते. यहाँ पर डिपेंड करेगा कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा. जैसे यहाँ पर पूरा अच्छे से गिवन है कि सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये बहुत ही वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ एंड इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये कि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ना उसमें आग लग जाती है, इट कैचेस फायर, वेरी वॉयलेंट रिएक्शन. देन कैल्शियम, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है लेकिन कम वॉयलेंटली रिएक्ट करता है, इतना ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज नहीं होती कि हाइड्रोजन में आगे लग जाए. रिएक्शन होता है कोल्ड वाटर के साथ लेकिन कम वॉयलेंट होता है एज कम्पेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम. मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है. एंड यहाँ पर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ये दोनों जो मेटल्स हैं ना ये वाटर पर फ्लोट करने लगते हैं रिएक्शन के बाद. क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं ना वो सरफेस पर आकर चिपक जाते हैं, स्टिकअप हो जाते हैं. इस वजह से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये दोनों ही पानी पर फ्लोट करते हैं, ठीक है.
एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये ना ही कोल्ड वाटर ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, भाप के साथ रिएक्ट करते हैं। एंड लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये तो किसी के साथ भी रिएक्ट करते ही नहीं है, ना ही हॉट वाटर, ना ही कोल्ड वाटर, ना ही स्टीम, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। अब ये हम कैसे बोल सकते हैं कि ये मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये वाला मेटल रिएक्ट नहीं कर रहा, ये वाला मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है? ये डिपेंड करता है उस मेटल की रिएक्टिविटी पर, वो मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये हमें पता चलता है रिएक्टिविटी सीरीज से, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में हमें पूरा बताया गया है कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एंड कौन सा मेटल सबसे कम रिएक्टिव है। तो अब हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करते हैं। सो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें पूरा आपको ये सीक्वेंस दे रखा है कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा सबसे कम रिएक्टिव है। तो सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव। एंड देन जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी कम होती जा रही है मेटल्स की, एंड लास्ट में सबसे कम रिएक्टिव, ठीक है। तो पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड लास्ट में गोल्ड, ठीक है। तो ये आपकी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं रिएक्टिविटी बढ़ रही है, जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अब ये सीक्वेंस आपको याद रखना होगा, बिकॉज रिएक्शंस में कौन किसको डिस्प्लेस करेगा वो रिएक्टिविटी पर ही डिपेंड करता है। ज्यादा रिएक्टिव मेटल दूसरे वाले कम रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, तो उसके लिए रिएक्टिविटी ही हमें यूज में आएगी, उसी से हम बता सकते हैं कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। एंड रिएक्टिविटी सीरीज का आगे बहुत यूज रहने वाला है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना होगा। इसके लिए आप सेंटेंस बना सकते हो, जैसे ये जो स्टार्टिंग वाले लेटर्स है ना, इनसे ये सेंटेंस बन रहा है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो ये सेंटेंस आप याद रख लो, एंड देन इससे आपको सारे जो ये मेटल्स हैं इनके नाम याद आ जाएंगे, रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमने देख ली, अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। तो जो मेटल्स हैं वो दूसरे मेटल्स के साल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये रिएक्शन होता है मेटल ए प्लस साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी गिव्स मेटल बी प्लस साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए। देखो, अगर मेटल ए मेटल बी से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो जो मेटल ए है वो क्या करेगा, वो मेटल बी के साल्ट सॉल्यूशन में से मेटल बी को डिस्प्लेस कर देगा, एंड फिर वो मेटल बी अलग हो जाएगा एंड जो साल्ट सॉल्यूशन है वो मेटल ए का बन जाएगा। ये कैसे होगा, अगर यहाँ पर कंडीशन क्या है, अगर मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव है मेटल बी से तभी वो उसको डिस्प्लेस करेगा, अगर मेटल ए मान लो कम रिएक्टिव है तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन एंड कॉपर सल्फेट का एग्जांपल लेते हैं, जब आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का हम रिएक्शन करवाते हैं तो हम जानते हैं कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है एंड आयरन सल्फेट बन जाता है एंड कॉपर मेटल अलग हो जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है, जब हम मेटल का रिएक्शन करवाते हैं किसी दूसरे मेटल के साल्ट सॉल्यूशन के साथ, जैसे यहां पर आप डायग्राम में भी देख ही सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमने मेटल्स की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स का इतना ज्यादा रिएक्शन होता नहीं है, बस नॉन मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है। जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनता है, एंड ये मोस्ट ऑफ द जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ये एसिडिक होते हैं नेचर में। कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो कि नेचर में न्यूट्रल होते हैं, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, ठीक है। नॉन मेटल्स एसिड एंड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो नॉन मेटल्स की इतनी ही केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ओके। अब हम बात करते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं आपस में। अभी तक तो हम देख रहे थे कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, इन सब के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखो, हम इतना तो जानते हैं कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं एंड उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो कैटायन फॉर्म करते हैं, एंड नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं एंड उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, विच इज एनायन, ठीक है। अब जो कंपाउंड बनता है ना इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, मतलब मेटल एंड नॉन मेटल में जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तब जो कंपाउंड बनता है वो होता है आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। अब इसको मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके समझा देती हूँ। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम क्लोराइड में सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसकी एटॉमिक कॉन्फिगरेशन होगी 2.8.1। एंड क्लोरीन का हम एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो इसकी एटॉमिक कॉन्फिगरेशन होगी 2.8.7। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ठीक है, इतना हम जानते हैं। अब देखो,
अगर सोडियम को बैलेंस होना है तो इसको अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 1 ही है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन तो नहीं कर सकता, इससे अच्छा ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है ताकि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं एंड ये स्टेबल हो जाए, है ना। तो सोडियम क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। एंड क्लोरीन को देखो, यहाँ पर इसके लास्ट शेल में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन होने चाहिए 8, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, सोडियम जो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको गेन कर लेगा एंड इसके लास्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया एंड क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, है ना। तो अब जो कंपाउंड बना सोडियम क्लोराइड NaCl, ये क्या है, हमारा आयोनिक कंपाउंड है या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है। तो ऐसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं एंड ये आयोनिक बॉन्ड यहाँ पर बन गया है इनके बीच में, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड बनता है। अब आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। तो देखो इसका फिजिकल जो नेचर होता है, आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं बिकॉज इनके जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, सो ये हार्ड होते हैं। लेकिन ये जनरली ब्रिटल होते हैं, मतलब इनको हम पीसेज में तोड़ सकते हैं अगर प्रेशर अप्लाई करें तो, ठीक है। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है बिकॉज वो जो एनर्जी का अमाउंट है वो काफी ज्यादा लगता है, ज्यादा एनर्जी लगती है जो स्ट्रांग इंटर आयनिक अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में, है ना। तो उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगती है इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। जो इलेक्ट्रोवेलिंग कंपाउंड्स हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये वाटर में जनरली सॉल्युबल होते हैं लेकिन और दूसरे सॉल्वेंट जैसे कि केरोसिन पेट्रोल इनमें सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। एंड ये मोल्टन फॉर्म में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते आयनिक कंपाउंड्स। तो ये प्रॉपर्टीज भी आपको पूरी अच्छे से पता होनी चाहिए। तो हमने आयनिक कंपाउंड्स की बात कर ली, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे व्हिच इज अकरेंस ऑफ मेटल्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मधु ने आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बताई और उसके बाद हमने आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में भी डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्रेंस ऑफ मेटल्स के बारे में। तो उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स है, बेसिकली 3 टर्म्स है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखो सबसे पहला टर्म है, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है तो ध्यान से देखना। मिनरल्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स, यानी कि जो अर्थ की क्रस्ट होती है यानी कि जो ऊपर वाली लेयर होती है उसमें जो नेचुरली आपको एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स मिलते हैं उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। अब आपको मिनरल्स अभी शायद डेफिनेशन ना क्लियर हुई हो, अभी हम ओर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ओर्स क्या होते हैं, ऐसे मिनरल्स, ओर्स क्या होते हैं, ऐसे मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स, यानी कि ऐसे मिनरल्स जिसमें जो मेटल है, जो डिजायर्ड मेटल है, जो हमें चाहिए, जिसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है, वो ज्यादा मात्रा में मिलता है, ऐसे मिनरल को हम कहते हैं ओर्स, ठीक है। एक ही मेटल के बहुत सारे ओर्स हो सकते हैं, जैसे कि आयरन ओर आपने सुना होगा, लेकिन वो ओर हमें, वो ओर ज्यादा हम उसे प्रेफर करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में हमें अपना डिजायर्ड मेटल मिलता है और उसे निकालना ओर में से प्रॉफिटेबल होता है, यानी कि हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारा फायदा होना चाहिए, ठीक है, उसे हम कहते हैं ओर्स, ठीक है। तो देखो हर एक ओर मिनरल होता है लेकिन हर एक मिनरल ओर नहीं होता है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है थर्ड, गैंग्यू। गैंग्यू क्या होता है, बेसिकली देखो जो ओर्स होता है उसमें बहुत सारे आप कह सकते हो इम्प्योरिटीज होती हैं, उसी को हम गैंग कहते हैं। इट्स जनरली एन अनवांटेड मटीरियल और इम्प्योरिटी दैट इज प्रेजेंट इन एन ओर, ओके, एंड इसे हम कैसे निकालते हैं, कैसे उसे सेपरेट करते हैं इम्प्योरिटीज को, वो भी हम डिस्कस करेंगे। दिस कैन बी फाउंड इन ओर डिपॉजिट वेयर द मिनरल इज प्रेजेंट। आगे बढ़े, सो अब डिस्कस करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना उनके ओर्स में से, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज मेटलर्जी, ठीक है। अब इसके टोटल 3 स्टेप्स हैं, पहला स्टेप है इनरिचमेंट और द कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेप 2 है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी जानेंगे। लास्ट स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं विद द स्टेप नंबर 1 व्हिच इज इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एटसेट्रा कॉल्ड गैंग। द इंप्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, यानी कि मेटल को ओर में से एक्सट्रैक्ट करने से पहले उसमें जो इंप्योरिटीज, जो गंदगी है, गंदगी जैसे कि एग्जाम्पल सॉइल, सैंड एटसेट्रा, इन्हें हमें रिमूव करना होता है, हटाना होता है ओर में से, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज द इनरिचमेंट ऑफ ओर। नाम से भी आप समझ सकते हो इनरिचमेंट, यानी कि उसको सफाई करना एक टाइप।
टाइप से. द प्रोसेस यूज फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंट बिटवीन फिजिकल और द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग. यानी कि जो गैंग पार्टिकल्स हैं उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं वो डिसाइड करता है कि आप किस तरीके से उस गैंग को रिमूव करने वाले हो. ठीक है, तो अलग अलग तरीके होते हैं और कौन सा तरीका यूज होगा वो डिपेंड करेगा कि गैंग का नेचर कैसा है. क्लियर हुआ. एंड दी ओर डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली यूज. आगे बढ़ते हैं. अब हमारा दूसरा स्टेप है विच इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से समझना. एंड फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले जो आपका ओर है, ओर यहाँ पे हमने डिवाइड करते हैं तीन कैटेगरीज में. सबसे पहले आता है आपका मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, देन मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी. यानी जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी वही है. यहाँ पे जो ऊपर आते हैं मेटल्स दे आर हाईली रिएक्टिव, जो बीच में आते हैं मीडियम रिएक्टिव होते हैं, और जो नीचे आते हैं जैसे कि सिल्वर गोल्ड वो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं. अब कैसे हम इन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं इनके ओर्स में से वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे. देखो उसका मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस. तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन ओर. ये मोल्टन ओर क्या होता है कि जो आपका ओर है मेटल का उसको आपको मोल्टन यानी कि उसकी मोल्टन फॉर्म में लेके जाना है, उसको हीट करना है, और फिर जो आपका मोल्टन ओर है उसका आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है. इसको हम एग्जांपल से समझेंगे. जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हमें हमारा जो सोडियम मेटल है उसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है. सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है, तो उसका जो मोल्टन ओर होगा उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे. आगे डिस्कस भी करेंगे कैसे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, और उससे हमारा जो डिजायर्ड मेटल है, जो सोडियम है जो हमें चाहिए, वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, और फिर हमें हमारा प्योर मेटल मिल जाता है. अब बात करते हैं मीडियम रिएक्टिव जो आपके मेटल्स हैं उनका. देखो आपके जो मीडियम रिएक्टिविटी में जो आपके मेटल्स आते हैं वो दो मतलब फॉर्म्स में आपको मिल सकते हैं. या तो कार्बोनेट ओर की फॉर्म में होंगे या तो वो आपके सल्फाइड ओर की फॉर्म में होंगे. अगर वो कार्बोनेट ओर की फॉर्म में है तो उन्हें आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, कैल्किनेशन के मेथड से एक्सट्रैक्ट करोगे. कैल्किनेशन क्या होता है, दिस इज अ मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द प्योर मेटल फ्रॉम द कार्बोनेट ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर. ध्यान रखना कैल्किनेशन एयर की एब्सेंस में होता है, और जो सल्फाइड जो आपका रोस्टिंग होता है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. दिस इज द डिफरेंस. और सल्फाइड ओर के लिए क्या है, रोस्टिंग वाला प्रोसेस है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. और ये हम क्यों करते हैं, अब आप मेरे से पूछोगे कि हम कैल्किनेशन और रोस्टिंग का प्रोसेस क्यों करते हैं, हम इसे डायरेक्ट हीट कर सकते हैं, और कोई मेथड भी तो हो सकता है, हमें कैल्किनेशन या फिर रोस्टिंग का प्रोसेस करने की जरूरत क्या है. तो फ्रेंड्स देखो, जो आपका कार्बोनेट ओर हो या फिर आपका जो सल्फाइड ओर होता है उनमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू जो आपका ऑक्साइड होता है. यानी कि जो मेटल का ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड जैसे कि जिंक ऑक्साइड, उसमें से जिंक को निकालना आसान है एज कंपेयर टू वो कार्बोनेट फॉर्म में हो या फिर अपनी सल्फाइड ओर की फॉर्म में हो, वो मुश्किल होता है. तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन कार्बोनेट ओर या फिर सल्फाइड ओर को कैल्किनेशन या फिर रोस्टिंग के प्रोसेस के थ्रू इन्हें ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं. क्या कहा मैंने, अपने कार्बोनेट ओर या फिर सल्फाइड ओर को इन दो प्रोसेस की हेल्प से ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर उस ऑक्साइड में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि वो आसान होता है. एंड देन हमें उसकी रिफाइनिंग होती है. रिफाइनिंग कैसे करते हैं आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में, और फिर हमें हमारा डिजायर्ड प्योर मेटल मिल जाता है. ये हमने बात करी मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स की. अब बात करते हैं लो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं. तो जो आपके लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं वो आपको सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलते हैं, और सल्फाइड ओर की फॉर्म में अगर सल्फाइड ओर को आपको उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड ऑफ द मेटल में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा प्रोसेस होगा, रोस्टिंग होगा. तो यहां पे सल्फाइड ओर का रोस्टिंग होता है. रोस्टिंग यानी कि जब आप उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. ठीक है, और फिर आपको आपका मेटल मिल जाता है, एंड देन उसी रिफाइनिंग करते हो एंड यू गेट योर प्योर मेटल. ये लो रिएक्टिविटी वालों के लिए. अब यहाँ पे एक डिफरेंस है मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी में. मीडियम रिएक्टिविटी में सबसे पहले आपने एक नोटिस किया होगा कि ऑक्साइड ऑफ मेटल का हमें रिडक्शन करना पड़ता है. यानी कि जैसे कि मान लो आपका जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, अब जिंक ऑक्साइड का मुझे रिडक्शन करना होगा, यानी कि उसमें जो ऑक्सीजन है उसे मुझे हटाना पड़ेगा. जब जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटेगा तभी तो जिंक मुझे मिलेगा.
और वही मुझे जिंक चाहिए, तो इस वजह से उसका रिडक्शन करना पड़ता है ऑक्साइड का। लेकिन लो रिएक्टिविटी वाले में ऐसा कुछ नहीं होता, जो आपका ऑक्साइड होता है, जो आपको रोस्टिंग के बाद ऑक्साइड मिला आपको मेटल का, उसको आप डायरेक्ट हीट कर दोगे, आपको आपका जो डिजायर्ड मेटल है वो मिल जाएगा। आप नीचे रिएक्शन भी देख सकते हो, दिस इज फॉर द लो रिएक्टिविटी। अब हम जो हमारा मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं उसमें हमने एक स्टेप पढ़ा। देखो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया कि कार्बोनेट के लिए कैल्किनेशन, सल्फाइड के लिए रोस्टिंग, कैल्किनेशन होता है एब्सेंस में, रोस्टिंग होता है प्रेजेंस ऑफ द एयर में, एंड ये उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो ऑक्साइड मिला है इसका रिडक्शन होता है, ये आपको थोड़ा समझ नहीं आया होगा, तो इसे थोड़ा और इन डिटेल अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। ये मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के लिए, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड जो हमने बनाया है, मेटल ऑक्साइड कैसे मिला, कैल्किनेशन या फिर जो हमारा रोस्टिंग का प्रोसेस है उससे हमें ऑक्साइड मिल गया मेटल का। अब उस मेटल ऑक्साइड में से हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। अब रिडक्शन कैसे करोगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स की हेल्प से करोगे, फॉर एग्जांपल कार्बन, ठीक है। तो आप ले कॉरस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपका जिंक ऑक्साइड था, इस जिंक ऑक्साइड में से मुझे जिंक चाहिए, मुझे ऑक्सीजन को हटाना है, तो ऑक्सीजन में कैसे हटाऊंगा, रिड्यूसिंग एजेंट का हेल्प करके, रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि कार्बन, कार्बन मैंने ऐड किया, मुझे जिंक मिल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जिंक मुझे जो डिजायर्ड मेटल है वो एक्सट्रैक्ट हो गया बाय रिडक्शन, ठीक है। अब यहां पे देखो, हम या तो रिडक्शन भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे करते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवा देते हैं हमारे, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, आप एग्जांपल ले लो, जिंक ऑक्साइड को मैंने जिंक से कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करवा दिया, तो वो क्या करेगा, वो जिंक की जगह आ जाएगा, उसे डिस्प्लेस कर देगा और जो जिंक है वो मुझे मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी हेल्प हम ले सकते हैं। एग्जांपल आप देखो, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है, मैंगनीज से ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैंगनीज ऑक्साइड की जगह, मैंगनीज की जगह एल्यूमिनियम आ जाएगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो मैंगनीज चाहिए, और मैंगनीज देखो रिएक्शन के बाद सेपरेट हो गया, तो मुझे मेरा डिजायर्ड मेटल मिल गया। तो यहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हेल्प से अपना मेटल एक्सट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम दी ऑक्साइड, ओके, जो हमारा ऑक्साइड था मैंगनीज ऑक्साइड। अब अगला पॉइंट है, दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, ये जो रिएक्शन होते हैं इसमें बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है, आप रिएक्शन में भी देख सकते हो, और इस हीट एनर्जी का यूज होता है रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग में। देखो यहां पे क्या लिखा है, विद द एल्यूमिनियम, देखो इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड की जगह आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन जब एल्यूमिनियम के साथ होता है तो इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और इस हीट का हम यूज कर सकते हैं रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए, या फिर जो ब्रोकन मशीन पार्ट्स है उन्हें रिपेयर करने के लिए इस हीट का हम यूज कर सकते हैं, क्लियर हुआ। और इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, थर्मिट रिएक्शन भी कहते हैं। रिएक्शन आप यहां पे देख सकते हो, आयरन ऑक्साइड, देखो आपका जो आयरन ऑक्साइड है उसका रिएक्शन हुआ है एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम आयरन की जगह आ गया, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, और जो आयरन है वो यहां पे हमें डिजायर्ड मेटल तो मिला लेकिन यहां पे बहुत हीट एनर्जी भी रिलीज हुई है, इसीलिए इसे हम थर्मिट रिएक्शन भी कहते हैं। आगे बढ़े तो अब यहां पे हम डिस्कस करने वाले हमारा जो इलेक्ट्रोलिसिस था, देखो वापस आ जाओ, टेबल पे आ जाओ, यहां पे हमने देखा कि जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उनकी मोल्टन ओर का। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे विद द एग्जांपल ऑफ सोडियम, ठीक है। सोडियम हमें एक्सट्रैक्ट करना है सोडियम क्लोराइड में से, जो NaCl है उसमें से मुझे सोडियम चाहिए। अब मैं कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है, तो वही डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो फ्रेंड्स देखो, ये एपर्टस को थोड़ा समझ लो, अगर आपको किसी भी चीज को, फ्रेंड्स एक चीज मैं बता दूं, कोई किसी भी टॉपिक को इन डिटेल समझना है, कोई डाउट रहता है, बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आप हमारा डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेक कर लेना। अभी हम थोड़ा जल्दी से डिस्कस करेंगे, इस एपर्टस में क्या है आपका, मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, यानी कि हमने क्या डिस्कस करा था टेबल में, वापस आ जाओ, यहां पे लिखा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन ओर, मोल्टन ओर यहां पे लिखा है, मोल्टन ओर यानी कि सोडियम क्लोराइड का आपका मोल्टन फॉर्म लेनी है, सोडियम क्लोराइड में से मुझे सोडियम चाहिए, उसकी मोल्टन फॉर्म मैंने ली, उसका इलेक्ट्रोलिसिस यहां पे मैं कर रहा हूं, ठीक है, मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस मैं कर रहा हूं, और यहां पे आपके देख सकते हो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दिस इज द कैथोड, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि देखो कहां पे कौन सा डिपॉजिट आ रहा है, सोडियम का डिपॉजिट कहां पे आ रहा है, क्लोरीन का डिपॉजिट कहां पे हो रहा है। देखो हम जानते हैं सोडियम पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों ही एनायंस है ना, सोडियम पे क्या होता है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इट इज एन कैटायन। वहीं पे क्लोरीन पे क्या होता है, क्लोरीन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, इट इज एन एनायन। अब
जो नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन का, नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव यानी कि एनोड। तो क्लोरीन कहां पे जाएगा? एनोड पे जाएगा। देखो ये क्लोरीन कहां पे जा रहा है? एनोड पे जा रहा है। सो क्लोरीन का डिपोजिशन कहां हो रहा है? क्लोरीन गैस का डिपोजिशन हो रहा है एनोड पे। वही जो आपका सोडियम है जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कैथोड पे डिपोजिट होगा, क्योंकि कैथोड पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरह अट्रैक्ट होगा और जो नेगेटिव है दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव। ये तो बिल्कुल फंडामेंटल लॉ है आपका। तो यहां पे हमारा जो सोडियम है, हमें सोडियम चाहिए तो उसका डिपोजिशन कहां पे हो रहा है? कैथोड पे हो रहा है। यहां पे आप देख सकते हो सोडियम डिपॉजिट। क्लियर हुआ? तो यहां पे आपको बस एक पॉइंट याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हैं बोल्टन NaCl का, उसमें जो सोडियम है उसका डिपोजिशन कौन से इलेक्ट्रोड पे हो रहा है? दैट इज कैथोड। आगे बढ़े, अब डिस्कस करते हैं लास्ट स्टेप विच इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो अब फ्रेंड्स हम देखेंगे हमारा लास्ट स्टेप विच इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो हमने अपना जो मेटल है उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स होते हैं कैसे उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सारा प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया शॉर्ट में। अब यहाँ पे मेटल्स की रिफाइनिंग कैसे होती है, क्योंकि आपने जो मेटल एक्सट्रैक्ट किया है उसमें अभी भी बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं जिन्हें आपको रिमूव करना है। कैसे रिमूव करोगे? तो उसका आंसर है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करके। कंफ्यूज मत होना, अभी हमने डिस्कस करा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन ओर, और ये है आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर, जैसा कि मैंने आपको कहा, दे कंटेन इंप्योरिटीज व्हिच मस्ट बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन द प्योर मेटल। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इंप्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। कैसे करते हैं? मेनी मेटल सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है हाईली रिएक्टिव का ही या लो रिएक्टिव या मीडियम रिएक्टिव मेटल्स का ही रिफाइनिंग होती है, सबकी होती है। एंड यहां पे मेटल्स का एग्जांपल आप देख सकते हो, दे आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली इन दिस प्रोसेस द इंप्योर मेटल। अब इंपॉर्टेंट बात आई है, इंप्योर मेटल इज मेड द एनोड। एनोड पे क्या होता है? आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड को क्या बनाया जाता है? आपका इंप्योर मेटल बनाया जाता है जिसमें से हमें इंप्योरिटीज को हटाना है, रिमूव करना है। एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, और उसी मेटल यानी कि कॉपर है तो कॉपर का ही प्योर मेटल आप क्या बनाते हो? आपका कैथोड बनाते हो, इज मेड द कैथोड। अ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन कौन सा लेना है? इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए आपका? ऑफ द मेटल साल्ट, जो मेटल है यानी कि अगर कॉपर है तो कॉपर का ही आपको एक साल्ट लेना है, जैसे कि कॉपर सल्फेट आप ले सकते हो, इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको समझ नहीं आया होगा, अब इसका थोड़ा एक एपर्टस की हेल्प से समझते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो। सो यहाँ पे हमने कॉपर का ही एग्जांपल लिया है। कॉपर को हमें क्या करना है? रिफाइन करना है, उसमें जो इंप्योरिटीज है उसे हमें हटाना है, अपना डिजायर्ड मेटल जो कॉपर है उसे लाना है। कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यहाँ पे हम कर रहे हैं। पहला पॉइंट है, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। ये सर्किट आप देख सकते हो, ये की है और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है, जैसा कि होता है कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। और जो आपका एनोड है, एनोड हमने क्या डिस्कस किया था? एनोड इंप्योर मेटल इज मेड द एनोड, यानी कि ये जो आपका एनोड है ये इंप्योर मेटल है, इसमें इंप्योरिटीज हैं। क्या है? इसमें इंप्योरिटीज हैं और ये आपका प्योर कॉपर है, ठीक है। प्योर कॉपर की स्ट्रिप आप यहां पे देख सकते हो, दिस इज द कैथोड। अब यहां पे जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करवाई तो ये जो आपका एनोड था इसमें से जो प्योर मेटल था वो सॉल्यूशन में कुछ जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया और कुछ कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो गया। क्या कहा मैंने? कि ये जो आपका इंप्योर मेटल की स्ट्रिप थी, जो एनोड था, उसमें से जो प्योर मेटल था वो कुछ तो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया और कुछ उतना ही क्या हुआ? कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो गया आपका प्योर मेटल। अब आप कहोगे कि इसमें इंप्योरिटीज थी और प्योर मेटल था, प्योर मेटल तो डिसॉल्व हो गया, तो बची क्या? बची आपकी इंप्योरिटीज, और ये जो इंप्योरिटीज थी एनोड की, ये नीचे जाके डिपॉजिट हो गई है, जिसका नाम है एनोड मड। दिस इज इंप्योरिटीज, एनोड मड, नीचे एनोड के नीचे ये डिपॉजिट हो गई हैं। इसे पढ़ सकते हो आप, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, एनोड में से जो प्योर मेटल था डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, कुछ तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो गया आपका? डिसॉल्व हो गया। एन इक्वलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, और इस इलेक्ट्रोलाइट में जो डिपोजिशन है कुछ यहाँ पे कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो गया। थर्ड पॉइंट है, द सोल्यूबल इंप्योरिटीज गो इन टू द सोल्यूशन वेयर एज द इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड, यानी कि जो इंप्योरिटीज सोल्यूबल है वो तो इसमें घुल गई आपकी इलेक्ट्रोलाइट में, जो इनसोल्यूबल थी वो एनोड मड की फॉर्म में नीचे जाके डिपॉजिट हो गई, एंड दिस इज नोन एज एनोड मड। क्लियर हुआ?
वापस रिपीट करके देख लेना अगर समझ में नहीं आया एक बारी में। आगे बढ़े, सो यहाँ अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज कोरोजन। सो फ्रेंड्स, अभी रजत ने आपको अक्रेंस ऑफ मेटल्स के बारे में बताया, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज कोरोजन। तो देखो, जो मेटल की सर्फेसिस होती हैं उनके ऊपर लेयर बनने लगती है वो जब एक्सपोज होते हैं एयर, वाटर और दूसरे सब्सटेंसेस से, इसी को कोरोजन बोला जाता है। इसके बारे में हमने चैप्टर वन में भी डिस्कस किया था। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन पर जब जंग लगती है, रस्ट लगता है, तो ये कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखो, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। जब सिल्वर से बनी हुई चीजों को हम एयर से एक्सपोज करते हैं तो वो कुछ टाइम बाद ब्लैक कलर के होने लगते हैं, ब्लैक लेयर उनके ऊपर बन जाती है। ये क्यों होता है? बिकॉज एयर में जो सल्फर होता है वो रिएक्ट करता है सिल्वर के साथ एंड सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग बन जाती है, जिस वजह से वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, जो कॉपर है वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है जो एयर में प्रेजेंट होती है एंड स्लोली उसकी जो शाइनी ब्राउन सर्फेस है वो हटके उसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है। एंड वो ग्रीन कोटिंग क्यों आती है? बिकॉज ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो ये भी कोरोजन ही है। देन आयरन, आयरन जब एक्सपोज होता है मॉइस्ट एयर के साथ तो काफी लंबे टाइम तक, तो उसके ऊपर एक ब्राउन फ्लेक की सब्सटेंस की कोटिंग आ जाती है जिसको हम जंग बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। तो ये होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो ये सारा कोरोजन का ही यहाँ पर एग्जांपल है। यहाँ पर आप देख सकते हो आयरन की ये जो चेन है इनके ऊपर जंग लगा हुआ है, ये जो कॉपर की, ये जो कॉपर है, कॉपर से बनी हुई मूर्ति है उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ गई है ना, तो ये सारा कोरोजन का ही एग्जांपल है। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कोरोजन को? उसके काफ़ी तरीके हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, पेंट हम कर सकते हैं, ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग, गैल्वनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, मेकिंग एलॉयज, ये सारे तरीके हैं कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, गैल्वनाइजेशन क्या है? ये एक मैथड है स्टील एंड आयरन को प्रोटेक्ट करने का, जिसमें रस्टिंग से बचाने का, जिसमें हम क्या करते हैं जिंक की एक थिन लेयर से उनको कोट कर देते हैं। ठीक है, एलॉयज हम बना सकते हैं। एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं दो या फिर दो से ज्यादा मेटल्स या फिर मेटल या नॉन मेटल के साथ। ठीक है, तो ये एलॉयज की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो प्योर मेटल से कम होता है एंड एलॉयज बनाने से कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हैं, वेज हैं टू प्रिवेंट कोरोजन। ठीक है, सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ आर चैप्टर। हमने नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया है, सभी टॉपिक्स को हमने अच्छे से रिवाइज किया। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।